बीते शुक्रवार यानी कि 4 मई को दो बहुत ही उम्दा बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई है। एक है अमिताभ और ऋषि की 102 नॉट आउट और दूसरी है राजकुमार राव की फिल्म ओमर्टा। तो चलिए जरा जान लेते हैं कि ओमर्टा फिल्म ने, जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है, आखिर इस फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन कितनी कमाई की है, क्या रही है ओपनिंग। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है राजकुमार राव की फिल्म ओमर्टा के बारे में। इस फिल्म में राजकुमार राव के अलावा राजेश तेलंग है, टिमोथी रॉयन है, केवल अरोड़ा है। फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है। फिल्म की ड्यूरेशन बड़ी कमाल की, जो तकरीबन 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 36 मिनट की है, और ये एक बायोग्राफी क्राइम फिल्म है। फिल्म को कई तरफ से तारीफें मिली है। कई फेस्टिवल्स में ये फिल्म पहले ही दिखाई जा चुकी है, जहां पर इसको खूब सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस थोड़ा सा अलग है इस मामले में, क्योंकि ओमर्टा जैसी फिल्में कुछ वो फिल्में हैं जिनके लिए एक अलग ऑडियंस है जो उस तरह की फिल्में देखना पसंद करता है। और यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे यानी कि शुक्रवार को रिलीज के पहले दिन तकरीबन 1 करोड़ की कमाई की है। जी हाँ, कुछ खास ओपनिंग नहीं रही, फिल्म की ओपनिंग काफी स्लो रही है, इसलिए फिल्म ने 1 करोड़ की ही कमाई की है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी मिल सकती है। फिल्म काफी अच्छी है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि आगे चलकर कुछ सुधार हो सकता है कलेक्शन के मामले में। लेकिन अभी इसमें भी संशय है कि ये फिल्म अपने रिलीज के 3 दिनों में यानी कि पहले वीकेंड में 5 करोड़ तक का कारोबार भी कर पाएगी। बहरहाल फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर और लीड हीरो यानी कि राजकुमार राव और फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता के बीच एक खास समानता है कि दोनों ही करियर में चैलेंज लेना अच्छी तरह से जानते हैं। इससे पहले भी दोनों शाहिद अलीगढ़, सिटीलाइट जैसी फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं और उम्दा फिल्में दे चुके हैं बॉक्स ऑफिस को, बॉलीवुड को। लेकिन कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो ये फिल्में कुछ सब्जेक्टिव फिल्में होती हैं जिनका कमर्शियल होना पूरी तरीके से फिट नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो इस फिल्म का कलेक्शन पहले दिन 1 करोड़ के आसपास ही रहा है। अब देखते हैं कि आगे जाकर ये फिल्म कितनी कमाई करती है। बहरहाल फिल्म की कहानी 2002 की है। लंदन में रह रहा अहमद ओमार सईद शेख यानी कि राजकुमार पत्रकार डेनियल पर्न की बेरहमी से हत्या करके कहानी को अपने अल्फाज में अलग तरीके से पेश करता है और कुछ इसी तरीके से और घटनाओं के साथ मिलकर बनी ये फिल्म 4 मई को रिलीज हुई है। तो इस वीडियो में ये थी ओमर्टा की फर्स्ट डे कलेक्शन रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।